वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आईपीएल 2022 में चेन्नई वर्सेस मुंबई का मैच काफी रोमांचक हुआ। इस मैच में लास्ट बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी ने चौके मारकर टीम को जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, धोनी के धमाल के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी को दिया गया, जिन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकेश चौधरी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुकेश चौधरी के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 16 अगस्त 1996 को भीलवाड़ा, राजस्थान में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 25 वर्ष के हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुकेश चौधरी के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि 9 नवंबर 2017 को इन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया। फिर इन्होंने वर्ष 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए 7 अक्टूबर 2019 को लिस्ट ए कैरियर की शुरुआत की और फिर इन्होंने 8 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 में डेब्यू किया। फर्स्ट क्लास के 13 मैचों में इन्होंने 33.44 की औसत से 38 विकेट लिए हैं और इस फॉर्मेट में इनका बेस्ट रहा 99 रन देकर 4 विकेट। वहीं अगर T20 की बात की जाए तो इन्होंने 12 मैचों में 16 विकेट लिए हैं और 32 रन देकर 3 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा। और दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी 2022 में इनके प्रदर्शन को देखते हुए ही आईपीएल में चेन्नई की टीम ने इन्हें 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। यदि बात करें इनके आईपीएल डेब्यू के बारे में, तो इन्होंने 3 अप्रैल 2020 को आईपीएल में पंजाब टीम के खिलाफ डेब्यू किया। इस मैच में इनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा क्योंकि इन्होंने 4 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल किए, जो कि काफ़ी महंगा बॉलिंग साबित हुआ। और दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई की टीम ने आईपीएल 2022 में इन्हें इसलिए खरीदा क्योंकि यह चेन्नई टीम के लिए पहले नेट बॉलर के रूप में काम करते थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही आईपीएल में इनका शुरुआत काफ़ी खराब रहा, लेकिन इन्होंने मुंबई के खिलाफ हुए मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी में महज 19 रन दिए और अहम विकेट भी निकाले, जिससे टीम की जीत में इन्होंने काफ़ी मदद की और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। इन्होंने इस मैच में रोहित शर्मा, ईशान किशन और डेविड ब्रेविस जैसे बल्लेबाजों को आउट किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने आईपीएल में महज 6 मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने अभी तक 7 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुकेश चौधरी के फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनके फेवरेट बैट्समैन है MS धोनी, वहीं इनके फेवरेट बॉलर हैं हरभजन सिंह। यदि बात करें इनके फेवरेट एक्टर के बारे में, तो इनके फेवरेट एक्टर हैं जॉन अब्राहम, वहीं इनके फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, वहीं इनका फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुबई। दोस्तों, अब बात करते हैं मुकेश चौधरी के फिजिकल स्टैट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका हाइट है करीब 5 फीट 9 इंच, वहीं इनका वजन है करीब 65 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। यदि बात करें मुकेश चौधरी के मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि यह अभी अनमैरिड हैं, वहीं फिलहाल किसी को भी डेट नहीं कर रहे। दोस्तों, यदि बात करें मुकेश चौधरी के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 50 लाख रुपये। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक हुंडई क्रेटा कार है। तो दोस्तों, यह थी मुकेश चौधरी के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।